वेलकम बैक गाइस इन एलआरटी एजुकेशन। तो हम आज पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्लांट्स में कैसे होता है, और मैंने आपको न्यूरॉन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो डिस्क्राइब किया था। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वो भी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक एक फंक्शंस के साथ, एक एक पार्ट्स के साथ। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है कैसे होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे पास बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और मेरे पास यहां से क्या जाता है, एक्सोन। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइज ये है मेरे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको सेल बॉडी। सेल बॉडी कहाँ होती है, जितना भी हमारा ये पूरा पार्ट है, ये है हमारा सेल बॉडी। उसके बाद हमारे बात आती है न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी के अंदर ही जो हमारा पार्ट आता है वो है न्यूक्लियस। जो ग्रीन कलर का शो हो रखा है यहाँ पे, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। उसके बाद मेरे पास आता है डेंड्रोन। डेंड्रोन्स क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास ही सेल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं डेंड्रोन्स। अब आती है मेरे पास माइलिन शीट और स्वान सेल्स। ये क्या होती है, माइलिन शीट और स्वान सेल। गाइज मेरे पास यहाँ पे है माइलिन शीट और स्वान सेल। जो मैंने ये ग्रीन कलर से डॉट शो हुआ है, ये है मेरे पास श्वान सेल। एंड दिस वन इज माइलिन शीट। देन हमारे पास आता है नोड ऑफ रेनवॉल। जो यहाँ पे जो गैप शो हो रखा है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनबो। एंड दिस वन इज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, तो ये है मेरे पास डायग्राम न्यूरॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। लेकिन इसका डायग्राम जो है वो बिल्कुल सिंपल सा, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप बताएं। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मेरे पास जो सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस वगैरह क्या करते हैं कि न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल बॉडी के अंदर क्या आ गया हमारे पास, न्यूक्लियस आ गया और अदर सेल्स आ गए, हमारे पास डेंड्रॉन्स आ गए। तो ये कहाँ पे है, हमारे पास तीनों चीज़ें कहाँ पर क्या मिलकर बना रही है, एक सेल बॉडी बना रही है, जो कि क्या करती है, न्यूरॉन की एक्टिविटी में हेल्प करती है। कि मतलब जो सेल की एक्टिविटी है वो किस तरीके से किस फेस में जानी चाहिए, तो उसके कौन करता है, उसका फंक्शन क्या हुआ, हमारे पास सेल बॉडी। उसके बाद मेरे पास आते हैं श्वान सेल और माइलिन शीट और नोड ऑफ रेनवॉल। इनका क्या काम होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन आया, सॉरी कोई भी मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन आया, तो यहाँ पे जो डेंड्रोन्स थे उन्होंने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया। जो यहाँ पे ये मेरे पास डेंड्रोन्स हैं, इन्होंने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया। ये मेरे पास कोई भी सेल है, ये मेरे पास दूसरी सेल है। जैसे इस सेल से मेरे पास कोई
सिग्नल आएगा तो क्या करेंगे, डेंड्रोन्स क्या करेंगे उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, तो जैसे ही रिसीव होगा तो ये क्या करेंगे इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो जो इन तीनों का काम हो गया हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। इस जो पूरी यहाँ पे ये तीनों का जो मेजर रोल होगा उसको क्या बताएंगे हम, इन तीनों चीज़ों को जैसे मैंने यहाँ पे सेल बॉडी बनाई इन तीनों को मिला के, वैसे ही हमारे पास इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एक्सोन बनता है। और ये एक्सोन क्या करता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दूसरी सेल से ली है, उसको क्या करेगा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन, इधर उधर मूव नहीं करने देगा। तो क्या फंक्शन हुआ इनका, श्वान सेल का और माइलिन शीट का, कि ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है नर्व एंडिंग, यहाँ पे क्या होता है मेरे पास सारा का सारा सिग्नल जाके जो भी मैंने रिसीव किया वो जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है इनमें नर्व एंडिंग्स में। अब नर्व एंडिंग में मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा जो भी मेरे पास सिग्नल था वो मैंने रिसीव कर लिया, मेरी सेल ने क्या है रिसीव किया। उसके बाद क्या होता है एक और एक्सोन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सोन हुआ, ऐसे ही हमारे पास पूरी बॉडी में बहुत सारे एक्सोन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ तक मैंने आपको इन सभी का फंक्शन बता दिया। उसके बाद मेरे पास आता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या आता है, इसमें तो कहीं साइनेप्स का रोल ही नहीं है, तो साइनेप्स क्या होता है वो देखें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरे पास एक सिंगल सेल न्यूरॉन है, इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में कनेक्ट होते हैं। तो जब मैं दूसरा न्यूरॉन इस बॉडी से कनेक्ट होगा मेरा सॉरी जब मेरा दूसरा न्यूरॉन इस सेल से कनेक्ट होगा तो उसके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा। जैसे कि ये मेरे पास कुछ गैप प्रेजेंट है और यहाँ से जो है मेरा दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रखा है। जब मेरा यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, ये मेरे पास गैप आया और यहाँ से जो है दूसरा न्यूरॉन हुआ स्टार्ट, इसका न्यूक्लियस, ये मेरे पास था दूसरा न्यूरॉन सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन आ गया। जब मेरे पास यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी तो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आती है, और वो मेरे पास जैसे ही डेंड्राइट्स के पास पहुँची तो किस फॉर्म में जाएगी, केमिकल की फॉर्म में पहुँचेगी। यहाँ से जब सेल में न्यूरॉन में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो किसकी फॉर्म में हो रही है, यहाँ पे केमिकल की फॉर्म में। जैसे ही यहाँ पे दोबारा से इंफॉर्मेशन आई तो यहाँ पे सारी की सारी केमिकल इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट है, कहाँ पे, नर्व एंडिंग के पास। यहाँ है मेरी नर्व एंडिंग, उसके पास क्या है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है। लेकिन जब मैं दूसरे न्यूरॉन के पास इसको, दूसरे सेल न्यूरॉन के पास इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट होता है। ये गैप क्या करता है, दोबारा से केमिकल एनर्जी को किस में चेंज, केमिकल जो सिग्नल था उसको किस में चेंज किया, उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये साइनेप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं जो भी हमारे पास गैप प्रेजेंट होता है दो सेल्स के बीच में, और जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को दोबारा, सॉरी केमिकल सिग्नल को दोबारा से इलेक्ट्रिक सिग्नल में देता है। और जैसे ही यहाँ पे डेंड्राइट्स इसको रिसीव करेंगे दूसरे न्यूरॉन के, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये केमिकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। उसके बाद आता है मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इसकी हमें डेफिनेशन से ही समझ लेना चाहिए, सॉरी इसके नेम से ही समझ लेना चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे हैं, जो भी हमारे पास केमिकल इलेक्ट्रिक केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए जो भी हमारे पास बीच में केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं हमारे सेल्स, उसको हम बोलते हैं, जो भी हमारे पास सिग्नल दिखा रहे हैं उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और साइनेप्स जो हमारे पास ये गैप प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ जो भी सेल की एक्टिविटी होगी मैं उसको बोल दूंगी साइनेप्स। उसके बाद मैं बात करती हूँ नर्व एंडिंग की, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाती है, उसको मैं बोलती हूँ नर्व एंडिंग। उसके बाद मेरे पास ये आते हैं तीन नेम्स, स्वान सेल, स्माइलिंग शीट और नोड ऑफ रेनवर। इनमें क्या होता है, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन रिसीव की डेंड्रिट्स ने वो क्या होती है एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इन तीनों की वजह से। उसके बाद मेरे पास आता है सेल बॉडी, न्यूक्लियस और डेंड्रोन। ये तीनों चीज़ें मिलके ही मेरे पास क्या बन, सॉरी न्यूक्लियस और डेंड्रोन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, सेल बॉडी बना रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस क्या करता है हमारी सेल की एक्टिविटी को हेल्प करते हैं कि उसको किस तरीके से एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी शो करनी है, कितनी एक्टिविटी शो करनी है, तो वो काम करेगा मेरे पास न्यूक्लियस।
उसके बाद मेरे पास आता है डेंड्रोन्स। डेंड्रोन्स क्या होते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। किस फॉर्म में रिसीव करते हैं, केमिकल की फॉर्म में। जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में मेरे पास आया है उसको क्या करते हैं, केमिकल की फॉर्म में रिसीव करते हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है न्यूरोन का स्ट्रक्चर। तो गाइस अभी तक हमने पढ़ा था न्यूरोन के स्ट्रक्चर के बारे में, आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क होती है जिसमें मतलब हम कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि कुछ भी है, कोई आवाज़ सुनाई दी हमें, उसके अकॉर्डिंग हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, या हमारा हाथ कहीं पे टच हुआ है, हमारे यहाँ पे कोई पिक की हमने अंदर कुछ भी हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक्शन ले रहे हैं। और वो एक्शन हम इतना सडन ले रहे हैं, इतना जल्दी ले रहे हैं कि उसका हमारे पास ब्रेन तक कोई उसका रिएक्शन पहुँचा ही नहीं, कि ब्रेन ने उस चीज़ में कुछ हमें बताया ही नहीं कि हाँ भाई तुम्हारा हाथ कहीं गलत जगह पे टच हुआ है, तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा है। तो मेरे ब्रेन ने नहीं बताया, जस्ट मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल पहुंचा और मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने कोई भी अपना एक्शन लिया, एक्शन जनरेट कर दिया मेरी बॉडी ने। तो क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने उसमें कुछ नहीं किया। तो जहाँ पे हमारे ब्रेन का कोई काम नहीं होगा, हम अपने आप को रिलैक्स फॉर्म में लेके आएंगे, हम जल्दी से उसके जो भी हमारे पास कुछ भी आवाज़ सुन रही है या हमारे पास कोई भी स्टिमुलस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें हमारे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। तो एक बार ये देखते हैं कि कैसे जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, कैसे वो जल्द इफेक्टर तक पहुंचता है, बिना जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा और फिर इफेक्टर के पास, जहां पे ब्रेन का कोई रोल ही नहीं हुआ वो, उसका हम एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है। तो इसमें क्या हुआ, ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टिमुलस होता है क्या। तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी मैं अपना हाथ जो है यहाँ पे गर्म पैन है कोई भी, मैं उसके ऊपर टच कर रही हूँ, तो जैसे ही मेरा हाथ मैंने टच किया वो क्या हुआ, स्टिमुलस, जो गर्म पैन हुआ वो स्टिमुलस, वो मुझे हानि कर रहा है, जो स्टिमुलस है वो उसने मुझे हार्म किया। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे किया तो मुझे पता चला, तो कोई भी जैसे ही यहाँ पे कोई भी मैंने एक्शन लिया तो उस एक्शन को बोल दूंगी मैं स्टिमुलस, मतलब कि यहाँ पे जो गर्म पैन था वो हॉट पैन था वो मेरे पास क्या हुआ, स्टिमुलस। उसके बाद क्या आता है, स्टिमुलस हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप है रिफ्लेक्स आर्क में कि स्टिमुलस क्या। स्टिमुलस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो स्टिमुलस ने कोई भी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी स्टिमुलस था, यहाँ पे मेरे पास है हॉट पैन, इसको मैंने टच किया, मेरे पास स्टिमुलस जनरेट हुआ कि ये गर्म है इसको हटाओ। तो रिफ्लेक्टर ने क्या किया कि एक्शन जनरेट किया, मेरी नर्व सेल ने क्या किया उसको सेंस किया, सेंसरी नर्व ने क्या किया उसको सेंस किया कि मैंने अपना हाथ जो है वो गर्म पैन पे रखा है। उसके बाद जो एक्शन हुआ वो कहाँ पहुँचा, जैसे ही मैंने यहाँ पे हाथ रखा उसका सारा का सारा इफेक्ट कहाँ पे गया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड के पास। आप सोच रहे हो कितनी जल्दी, कितनी फास्टली जो है एक्शन लिया जा रहा है, कि जस्ट मैंने टच किया उसके बाद वो रिसेप्टर के पास भी पहुँच गया, नर्व सेल्स के पास, सॉरी सेंसरी नर्व के पास भी पहुँच गया, और मेरी स्पाइनल कॉर्ड के पास भी उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ भाई तुमने ना कुछ गलत टच किया है, तेरा हाथ जल रहा है। उसके बाद मेरे मोटर नर्व ने क्या किया, इफेक्टर के पास उसको ट्रांसफर कर, इफेक्टर क्या हुआ मेरा हाथ हटा, जैसे ही मैंने उसको अपना हाथ हटाया उसको मैं बोल दूंगी इफेक्टर, और जैसे ही मैंने उसको टच किया तो गर्म पैन को क्या मैं बोलूंगी स्टिमुलस, और जैसे ही मेरा हाथ टच करने के बाद मुझे पता चला कि गर्म है उसको मैं बोल दूंगी रिसेप्टर। और इनका क्या रोल था कि इन्होंने जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर किया, तो किसके पास ट्रांसफर किया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो इस तरीके से जो क्या है मेरे पास सिग्नल जो होता है वो इस डायरेक्शन में मेरे पास मूव करता है, मेरी सेल बॉडी में कहाँ कैसे मूव करता है, स्टिमुलस हुआ, उसके बाद मैंने रिसेप्टर किया, जैसे ही मेरे पास रिसेप्टर के पास पहुंचा मेरी सेंसरी नर्व्स ने कोई सिग्नल दिया स्पाइनल कॉर्ड को कि हाँ कुछ एक्शन लिया जाए जल्दी से। स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचने के बाद मोटर नर्व ने क्या किया, इफेक्ट जनरेट कर दिया कि मैंने अपना इफेक्ट शो किया, जैसे ही मेरा टच हुआ मैंने अपना हाथ हटा दिया, ये हुआ मेरे पास मेरा इफेक्टर। तो इस तरीके से काम करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क।
अब ये क्या है, इट इज़ द न्यूरल पाथवे, एक ऐसा न्यूरल पाथवे मतलब कि न्यूरॉन्स का पाथवे। मैंने बताया था कि हमारे पास न्यूरॉन्स का पूरी बॉडी में जो है वो पूरा सिग्नल्स होते हैं, तो क्या है न्यूरल पाथवे है दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स अकर थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क, जो कि क्या कहते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारे एक्शन जो जनरेट हो रहा है उसको क्या करता है आगे की तरफ लेके जाता है, और क्या करता है हमारे रिसेप्टर्स को शो करता है कि कुछ है जो मुझे साउंड भी सुनाई दे रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि साउंड सुनाई, तो मैं अपना इफेक्टर शो करूँगी दैट थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क। और किसके थ्रू बता रहा है, रिफ्लेक्स आर्क के, मतलब उसमें मेरे दिमाग का कोई रोल हो ही नहीं रहा। जैसे ही मैं कुछ भी अपने हाथ पे कुछ प्रिक करती हूँ, कोई भी मेरे पास पिन है मैं उसको प्रिक करती हूँ, तो मेरे दिमाग तक ये बात पहुँचेगी ही नहीं कि मेरे यहाँ पे कुछ प्रिक हुआ है। मेरी स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, इफेक्टर जनरेट कर देगी कि हाँ प्रिक हुआ है, हटाओ इसको, ये गलत है। तो ये क्या था मेरे पास, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा था रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं, मेरी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर जो है ये रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं इफेक्टर को जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार डायग्राम के थ्रू और समझ लीजिए। तो ये क्या है, मेरे पास एक हॉट पैन है, हॉट पैन, और ये क्या है एक स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है हॉट पैन। जैसे ही हमारा हाथ इस हॉट पैन को यानी कि हॉट पैन को टच करेगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था रिसेप्टर, रिसेप्टर ने मुझे क्या बताया कि ये हीट है और मेरे को पेन होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, रिसेप्टर ने क्या शो किया मेरे हाथ पे कि जो है मैंने हॉट पैन को टच किया तो क्या हुआ कि हीट फील हुई मुझे। उसके बाद मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, सेंस करके उसको कहाँ पे भेज दिया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या था मेरे रिले न्यूरॉन्स। अब जो रिले न्यूरॉन्स उसने क्या किया, दोबारा से मेरे पास यहाँ पे सिग्नल जनरेट किया मीन्स इफेक्टर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये कहाँ पे पहुँचा मेरे पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये मसल सेल्स होती है जो कि क्या करती है इफेक्टर को जनरेट करती है। तो मैंने जैसे ही मेरा इफेक्टर यहाँ पे पहुँचा, मैंने क्या किया मेरे हाथ के जो मसल्स थे उन्होंने क्या किया सिग्नल जनरेट करके यहाँ से हटाओ अपने हाथ को कि जो ये है हॉट पैन है, ये मुझे हार्म कर रहा है। तो इसमें हमारे ब्रेन का कोई रोल नहीं हुआ, तो इसको मैं बोल दूंगी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन का हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बेसिकली क्या होता है, इट कमांड सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये जो होता है कमांड पूरे नर्वस सिस्टम की ही कमांड करता है हमारे पास, मतलब कि जितना भी हमारे पास पूरा नर्वस सिस्टम है वो किसके अंडर काम करता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर काम करता है। एक चीज़ और, हमारा जो ब्रेन है वो टू साइड्स में डिवाइड होता है ऐसे, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है मेरे ह्यूमन ब्रेन के पास दो साइड्स होते हैं। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो किस तरीके से दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड होता है। और मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। तो जितने भी मेरे पास मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन माई ब्रेन मोर इंटेलिजेंसी, मतलब कि जितने ह्यूमन के अंदर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा उसकी इंटेलिजेंसी पावर क्या होगी वो ज़्यादा होगी। एक चीज़ और, जितना भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप कुछ समझ रहे हो कुछ काम करते हो, उसमें से सिर्फ आप सिर्फ 4% मतलब कि सिर्फ 4% अपने ब्रेन का आप यूज करते हो। सोच रहे हो अगर आप 20% भी उसका यूज करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन नहीं, सिर्फ क्या होता है हम सिर्फ अपने दिमाग का सिर्फ 4% ही यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास बात आती है कि ह्यूमन ब्रेन के पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन। तो मेरे पास आता है फोर ब्रेन क्या होता है, ये जो फोर ब्रेन होता है ये मेरे पास इंटीरियर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। कैसा पार्ट होता है, सबसे इंटीरियर पार्ट। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। अब मेरे पास बात आती है हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है हमारे पास लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन।
अब मैं बात करूँ मेरे पास मिड ब्रेन की, ये क्या होता है, हमारे पास टॉप मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, मीन्स अपर या फिर टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ, इनके बारे में मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। इनके भी मेरे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन के और हिंड ब्रेन के भी यहाँ पे मेरे पास कुछ पार्ट आएंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले देखिए, फोर ब्रेन जो है मेरे पास इंटीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, जो मिड ब्रेन होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और जो हिंड ब्रेन होता है वो लोवेस्ट पार्ट होता है हमारे पास ब्रेन का। अब जब मैं हमारे पास फोर ब्रेन की बात करती हूँ, तो सबसे इंटीरियर पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके का मेरे को स्ट्रक्चर मिलेगा हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि मोस्टली हमारे पास सेरिबरम। सेरिबरम क्या होता है कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये क्या करता है, चीज़ों को सेंस करता है। कोई भी हमारे पास एक्टिविटी हो रही है या कुछ हम एक्टिविटी सेंस, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसको सेंस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट कवर करता है वो करता है हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करता है, पूरे दिमाग का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है। तो ये था मेरे पास बेसिक ब्रेन का, कि ब्रेन के हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास सेरिबरम काम कर, सेरिबरम जो है वो हमारे ब्रेन के पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है मेरे पास, सेरिबरम का पार्ट होता है, जो कि किसका पार्ट है, हमारे पास एक फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अभी हम बात करते हैं ब्रेन के बाकी के पार्ट्स के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन के पास क्या था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन था वो इंटीरियर पार्ट है, जो मिड ब्रेन है वो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड बिलो द सेरिबेलम। सेरिबेलम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, और मैंने आपको अभी क्या बताया था, सेरिबेलम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम के बारे में, जो सेरिबेलम था यहाँ पे क्या था, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किसमें, टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था अभी जस्ट पहले। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितना भी मेरे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कवर एरिया होगा वो कौन करता है, हमारे पास सेरिबेलम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया किसने कवर किया हमारे ब्रेन का, सेरिबेलम। तो यहाँ पे क्या था कि जो मिड ब्रेन होता है वो कहाँ प्रजेंट होता है, जस्ट बिलो द सेरिबेलम, सेरिबेलम के जस्ट नीचे प्रजेंट होता है, और कहाँ पे, हिंड ब्रेन के ऊपर प्रजेंट होता है। अब हिंड ब्रेन क्या था हमारे पास, हिंड ब्रेन था कि लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे पास फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो सेरिबेलम का अभी मैंने बताया कि ये जो सबसे ज़्यादा कवर करता है हमारे ह्यूमन ब्रेन में, जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो सेरिबेलम का होता है। ये क्या करता है, चीज़ों को सेंस करता है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको सेंस करेगा, और जो बाकी के हमारे पास ऑर्गन्स हो गए ब्रेन के, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, उनको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि कहाँ जाके ट्रांसफ़र हो। उसके बाद हमारे पास सेरिबेलम के भी मेरे पास यहाँ पे तीन पॉइंट्स आते हैं, सॉरी चार पार्ट्स आते हैं, फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। ये क्या होते हैं, अब यहाँ पे तो इसने क्या किया कि सेंस किया चीज़ों को, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या काम हुआ, इसने यहाँ पे इनको थैलेमस और लिम्फिक सिस्टम ने क्या किया कि कोई भी हमारे पास चीज़ थी उसको सेंस करके आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चार और पार्ट्स आते हैं, जो कि क्या करेंगे, जो फ्रंटल लोब था और पराइटल लोब था, उन्होंने क्या किया, सेंस करने में हेल्प की ब्रेन की, किसके थ्रू, सेरिबेलम के थ्रू, जो कि कहाँ पे प्रजेंट है, हमारे फोर ब्रेन में प्रजेंट। इसने क्या किया, हमारे पास फ्रंटल लोब ने और पराइटल लोब ने क्या किया, सेंस किया कि मेरे पास कोई भी एक्टिविटी है, मेरे पास एक ग्रीन कलर है, ये ग्रीन मेरे पास मार्कर है, तो इसमें यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हाँ ये मेरे पास ग्रीन कलर है। तो ऐसे ही मैं कोई भी एक्टिव, मेरे पास यहाँ पे कोई पिंक पिर, कोई भी मेरे पास यहाँ पे पिन है, वो यहाँ पे मेरे को पिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्या पता चला, मुझे सेंस किया, तो किसमें हेल्प की, मेरे सेरिबेलम ने। उसके बाद फ्रंटल और पैराइटल लोब का भी सेम काम था कि उनको सेंस करने में हमारी हेल्प की। उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है कि स्टोरेज, जितने भी हम मेमोरी स्टोर करते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर है, तो क्या हुआ कि जो स्टोरेज का काम होगा वो करेगी हमारे पास टेम्पोरल लोब। जितने भी मेरे पास मेमोरी स्टोरेज है, कोई भी मेरे पास कोई भी मेमोरी है, अगर मैं कहीं लास्ट टाइम घूमने गई, आप लोग कहीं घूमने गए, तो जो भी मेरी मेमोरी मेरे को याद है, तो उसका काम क्या होगा, टेम्पोरल का। उसके बाद आता है हमारे पास ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब का क्या काम होता है, विजुअल द थिंग्स। अगर मैं बोलूँ कि ग्रीन कलर का मार्कर है, तो आप इसको विजुअल कर पा रहे हो कि मतलब देख पा रहे हो कि हाँ ये ग्रीन कलर है। अगर मैं बोलूँ कि ये बोर्ड कैसा है व्हाइट, तो आप इसको देख पा रहे हो कि व्हाइट कलर, तो इसमें आपका कौन हेल्प कर रहा है,
ओसीपिटल लोब हेल्प करे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हमारे फोर ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे मिड ब्रेन के बारे में, जो कि क्या होता है, हमारा कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि तो ये क्या करता है, हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कौन सी एक्टिविटी को, जो हमारे नर्व सेल्स शो करती है, तो उस एक्टिविटी को कौन करता है, हमारे पास मिड ब्रेन। जैसे कि मैं बोलूँ कि अभी मुझे चलना है तो मैं चलते चलते रुक रही हूँ, तो किसने हेल्प की, मिड ब्रेन ने हेल्प की कि हाँ यहाँ मुझे चलते चलते रुकना है, यहाँ अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं लिखते लिखते यहाँ पे स्टॉप हो गई, तो इसमें कौन हमारा हेल्प करेगा, मिड ब्रेन हेल्प करेगा। ये था हमारे पास मिड ब्रेन के बारे में। उसके पास मेरे पास बात आती है लास्ट में हिंड ब्रेन के बारे में। जो हिंड ब्रेन होता है लोवेस्ट पार्ट होता है, और ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट होता है। तो ये क्या करेगा, इसके भी हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स है, ये क्या करते हैं हमारे कोई भी एक्टिविटी, तो हिंड ब्रेन क्या है, लोवेस्ट पार्ट होता है, ये क्या करता है, जो भी हम एक्शन लेंगे वो किसकी तरफ जाता है, हमारे स्पाइनल कोड की तरफ सेंड कर देता है। उसके बाद हम अपना एक्शन जनरेट करते हैं स्पाइनल कोड के पास ही, क्या करेगा, हिंड ब्रेन जो है वो कनेक्ट होता है, जो कि डायरेक्ट अपना एक्शन कहाँ पे, जो कि जैसे ही मैं कुछ भी एक्टिविटी करूँगी उसको कहाँ पे भेजेगा, वो स्पाइनल कोड के पास। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बात आती है हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में भी मेरे पास यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लॉगेंटा। मेडुला ओब्लॉगेंटा यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेडुला ओब्लॉगेंटा, ये क्या करता है, हमारे पास ऑटोमेटिक जितने भी हम फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस। ऑटोमेटिक फंक्शंस में अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब कुछ भी अगर हम चल रहे चल चलते हम एकदम से स्टॉप हो गए, तो ऑटोमेटिक ही क्या ना, हमें एकदम से दौड़ रहे दौड़ते दौड़ते हम एक जगह पर रुक जा रहे हैं, तो उसमें किसने हेल्प किया, हमारे पास मेडुला ओब्लॉगेंटा। उसके बाद हमारे पास बात आती है पोन्स की। तो पोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी नींद को, कंट्रोल इन स्लीपिंग, कितनी देर हमें सोना है, हमें कब उठना है, हम कब कितने बजे हम उठ रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करता है, पोन्स कंट्रोल करता है कि हम कितनी देर अभी सो रहे हैं, हमारा माइंड सेट होता है कि हाँ अगर हम 8 बजे का आराम लगा रहे हैं, हम अगर उठ पा रहे हैं तो उसमें हमारे किसने हेल्प की, पोन्स। अगर नहीं उठे तो क्या क्या हमारे मतलब जितने भी हम नींद का जो भी कंट्रोल होता है वो क्या करता है, हमारे पास पोन्स। फिर आता है मेरे पास बात सेरिबेलम की, कंट्रोल द एंड बैलेंस, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा और उसको बैलेंस करेगा। सपोज दोबारा से अगर मैं आपको वही एग्जांपल दूं, मैं चलते चलते कहीं भी रुक रही हूँ, तो मतलब वो कंट्रोल करता है कि नहीं मुझे अभी नहीं रुकना है, अभी चलना है, अभी मुझे रुकना है, तो वो मुझे कंट्रोल और बैलेंस की कोई एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, हमारा सेरिबेलम। तो किसके पार्ट थे मेरे पास, हिंड ब्रेन के। सबसे पहले था हमारे पास सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या होता है कि हमारे पास कंट्रोल एंड बैलेंस, किस में एक्टिविटी में हेल्प करता है, कंट्रोल में और बैलेंस के। दूसरा हमारे पास पोन्स आता है जो कि स्लीप में हमारी कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेडुला जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिक फंक्शंस में हमारा कंट्रोल करता है। तो ये था मेरे पास ब्रेन। ब्रेन के बेसिकली मेरे पास तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके बाद मेरे पास आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी मेरे पास फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, सेरिबेलम, थैलेमस एंड द लिम्फिक सिस्टम। ये क्या करते हैं, हमारे कोई भी सेंस से किसी भी एक्टिविटी को, या कोई भी हमारे पास कुछ सामने से कुछ भी एक्टिविटी शो हो रही है उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। उसके बाद सेरिबेलम के भी कुछ फर्दर फोर टाइप्स होते हैं, सॉरी फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब। उसमें क्या होता है, हमारे पास स्टोरेज का काम होता है, विजुअल मतलब थिंग्स, कलर वगैरह को, जितना भी हमारे पास विजुअलिटी का काम होता है उसको करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टोरेज मतलब किसी भी मेमोरी को स्टोरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद मेरे पास मिड ब्रेन था कि ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड बिलो द सेरिबेलम, जो कि सेरिबेलम के नीचे प्रेजेंट होता है, और अबव टू द हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन के पास क्या था, हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स थे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लॉगेंटा। ये था हमारे पास ब्रेन के बारे में। तो गाइस अब हम पढ़ रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स या फिर हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर हॉर्मोन्स का क्या क्या रोल होता है, अब हम वो देखते हैं, जो हमारे पास है लास्ट टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो जो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि हॉर्मोन्स होते क्या है, तो केमिकल कंपाउंड्स विच सीक्रेट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो केमिकल कंपाउंड जो कि किससे सीक्रेट होते हैं, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। सब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं कि ये कुछ केमिकल्स हार्मोन्स को ना सीक्रेट करती है और उनको दूसरी जगह पर जाकर रिलीज करती है।
तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ग्लैंड क्या होती है, तो क्या होती है, एक सेल भी बोल सकते हैं हम इसको, एक टिश्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एक ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करती है, सीक्रेट और रिलीज केमिकल्स, जो कि क्या करती है, कुछ जगह पे क्या करेगी, कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करेगी या फिर क्या करेगी, उन केमिकल्स को रिलीज करेगी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। और जो सीक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स कहाँ सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो फर्दर डिवाइड्स होती है, कि वो कितने हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंड एड्रेनल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है और पैनक्रियाज होती है। लेकिन उसके अलावा दो और ग्लैंड्स होती है हमारे पास, ओवरी और टेस्टिस, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही अच्छे से, कि टेस्टिस और ओवरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम अभी पढ़ते हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जहाँ पे हम मेनली चार ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे पास ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है, एक मास्टर ग्लैंड होती है। मैंने इन सभी को कीवर्ड्स में लिख दिया, आप एक बार नोट डाउन कर लेना, आपके नोट्स के लिए ईजी रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होती है, एक मास्टर ग्लैंड होती है, प्रेजेंट बिलो द ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे दिमाग के नीचे, जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। डेफिशिएंसी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके हम इसके जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोफिज्म। अगर इसका एक्सेस में हो जाए तो हम इसको बोलते हैं जिग्नेस्टिज्म। ठीक है, अब हमारे पास ये बात हुई हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब मेरे पास बात आती है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड ऑफ द किडनी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी के अपर साइड पे प्रेजेंट होती है, मीन्स किडनी के जस्ट पास में। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, कि ये रेगुलेट करती है हमारा ब्लड प्रेशर। किसमें, रेगुलेशन में हेल्प करती है हमारा ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी। हमारा जो ब्लड प्रेशर लो डाउन होता है उसमें किसका हेल्प होता है, हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड का। उसके बाद आता है इट इंक्रीज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, अगर हमारी हार्ट बीट स्लो हो रही है तो उसको इंक्रीज करने में हमारी कौन सी, एड्रेनल ग्लैंड हेल्प करती है। उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल ब्लड शुगर। ये क्या करती है, हमारे पास ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है हमारे ब्लड में, उसको भी हमारे पास कंट्रोल करके रखती है। उसके बाद मेरे पास आता है थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे हमारी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसका जो फंक्शन क्या होता है, BMR मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, या फिर हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या बोलते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी है हमारे पास, वो किस में आते हैं, हमारे पास बेसल एक्टिविटी के, वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से उनका क्या फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उसका क्या काम होता है, थायराइड ग्लैंड का। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब डिफिशियंसी हो जाए अगर थायराइड ग्लैंड की, तो क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे वर्टर डिजीज हो जाती है, जिससे कि हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है। अगर वो एक्सेस में हो जाए तो हम उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बात आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज कहाँ पे होती है, जस्ट लाइज बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होती है ये। ये क्या करता है हमारे पास, इसके पास हमारे पास दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अल्फा और बीटा। जो अल्फा होता है वो किसके हेल्प करता है, हमारे पास इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट करता है। और जो बीटा होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन सीक्रेट करता है। अब जहाँ पे अगर पैनक्रियाज में अगर इंसुलिन की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, डायबिटीज। तो यहाँ पे डायबिटीज मतलब शुगर, तो क्या होता है, शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन का हार्मोन देते हैं। तो कौन सीक्रेट करता है उसको, अल्फा, जो कि हमारे कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज। तो ये था हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। उसके अलावा हमारे पास इन दो, इन चार ग्लैंड्स के अलावा दो ग्लैंड्स और आती हैं, ओवरी और टेस्टिस, जो कि आगे फर्दर दूसरे चैप्टर में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको हमारी लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।